वहीं आगजनी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने जागरूकता मुहिम चलाने का निर्देश जारी किया है, जहां शासन के निर्देश अनुसार बलरामपुर में आपदा प्रबंधन और अग्निशमन विभाग संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें अग्निशमन विभाग के कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों पर और गाँव में जाकर लोगों को आग लगने के कारणों के साथ उससे बचाव के तरीके की जानकारी दे रहे हैं और जगह जगह मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आगजनी की घटनाओं पर समय से नियंत्रण पाने और उससे निपटने के तरीके भी समझा रहे हैं। ड्राई माहौल रहता है इसलिए आग ज्यादा लगती है, तो इसलिए सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि लोगों को आग से बचाव के लिए अवेयर किया जाए। उसी तारतम्य में उसी के मद्देनज़र आज मॉक ड्रिल जो है कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई थी, इसमें लोगों को आग से बचने के उपाय के बारे में बताया गया है, कैसे छोटी मोटी आग हो या बड़ी आग हो और कैसे फायर सर्विस की सहायता ली जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में के दिनों में जो है दैवीय आपदाएं जिसमें विशेषकर आगजनी की जो घटनाएं हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आगजनी की घटनाएं कम से कम हों और लोग थोड़ा जागरूक रहें तो इसकी संख्या में काफ़ी घटोत्तरी लाई जा सकती है। इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि दैवीय आपदाओं को कम से कम किया जाए और अग्निशमन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, स्कूलों में जा करके सामाजिक स्थानों पर जा करके, इस समय आज कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए हैं सभी। सिर्फ उद्देश्य यही है कि जागरूक किया जाए कैसे हम अग्निकांड से बचें और क्या प्रिकॉशन करें अगर कोई घटना होती है। तो हमारे साथ अग्निशमन विभाग के प्रभारी हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण शुक्ल। शुक्ला जी, जिसे मैं क्या आप लोग अभी जो अभियान चला रहे हैं उसके अंदर क्या क्या जागरूक कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 100 दिन का जो एक रिमार्क कार्ड रखा गया है उसमें हमारे श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपदों में वहाँ के जनपद के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पे, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, प्रभारी फायर सर्विस के निर्देशन पे प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक माल समय, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव में चौपाल लगा करके, और सबसे पहले आग लगे ही ना, अगर आग लगती है तो हम तत्काल उस पर सबसे पहले फायर सर्विस कर्मी के तरीके से काम करके आक्रमण करके उसको बुझा दें। अगर ऐसे रहा तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में अग्नि दुर्घटनाओं पर हम लोग रोक लगा लेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों का जो मेन उद्देश्य है कि घटनाओं को कम से कम लाने का प्रयास किया जाए और उसके लिए जरूरी है कि जो सभी लोग जागरूक हों, जैसे हमारे बाई तरफ से सभी लोग खड़े हैं जो विभिन्न गांव से संबंध रखते हैं, निश्चित रूप से अगर आज इनको बताया गया तो अपने गांव में अपने मोहल्लों में जाकर इस बात की जब जिक्र करेंगे तो और लोग एवर होंगे और लोग जागरूक होंगे कि अपने घरों को जो छोटी छोटी सावधानियाँ अगर उसको बरतें तो निश्चित रूप से घटनाओं में काफ़ी कमी लाई जा सकेगी और इसका फायदा सभी को होगा, सभी समाज को होगा, गांव को होगा, शहर को होगा। निश्चित रूप से ये प्रयास जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और जो विभाग लगातार प्रयास कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, ऐसे प्रयास की आवश्यकता है जो समय समय पर चलता रहे। अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे।